नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंद्रम पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ एफल इंडिया के ऊपर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस स्टॉक में इतना गिरावट के बावजूद भी ये लगभग एक साल में 94% का रिटर्न है। देखिए इवेंट क्या है, इवेंट जो इसका अर्निंग रिजल्ट है, आप ध्यान से सुनिए, अर्निंग रिजल्ट है। अर्निंग रिजल्ट यहाँ पे 10 तारीख को आने वाला था, वो रिजल्ट आ चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे एफल इंडिया मैंने सर्च किया और उसका सब चीज़ आ गया। यहाँ पे देखिए फाइनेंस क्वार्टरली फाइनेंशियल जो रिजल्ट है ये देखिए, आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए अपकमिंग जो आया है। देखिए अब मैं अपकमिंग देख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्वार्टर टू का रिजल्ट है 2022 का। यहाँ पे देखिए ईपीएस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है ईपीएस में, क्योंकि इनका जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब जो ये लोग चाहते थे कि ईपीएस लगभग 6.07 हो जाए अर्निंग पर शेयर, ठीक है, लेकिन वो अर्निंग पर शेयर जो बढ़ के वो हो गया है 18.08%, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा अर्निंग बढ़ गया है। और यहाँ पे जो तेज़ी, मतलब परसेंटेज की जो तेज़ी है लगभग 197.89%, इतना ज़बरदस्त। और देखिए यहाँ पे जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 21% ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो आपके हाथ में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अगर हम प्रीवियस की बात करें, मतलब अगर हम पुराने क्वार्टर वन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए क्वार्टर वन में जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी ईपीएस की 3.98 की, वो घटकर यहाँ पे 2.74 था और यहाँ पे लगभग 31% की गिरावट देखने को मिली थी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक भी वहाँ से करेक्शन हुआ था, आपको अगर ध्यान में हो तो, ठीक है, करेक्शन हुआ था, मतलब भारी करेक्शन देखने को मिला था। फिर उसके बाद इस स्टॉक में स्प्लिट की जब न्यूज़ वगैरह आई तब ये थोड़ा स्टॉक भागा, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, अपना 52 वीक हाई टच नहीं कर पाया, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी लगभग 140 करोड़ का, ठीक है, तो वो तो ठीक है, रेवेन्यू ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ऐसा था नहीं, लेकिन जो ईपीएस होता है, ईपीएस सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट उसी के ही हिसाब से चलता है, ईपीएस के हिसाब से। जैसे ही ईपीएस बढ़ता है वैसे इनका प्रॉफिट बढ़ा रहता है, ठीक है ना, अगर प्रॉफिट बढ़ी तो ईपीएस बढ़ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब ध्यान से सुनिए, अगर अर्निंग पर शेयर अगर स्टॉक का बढ़ रहा है तो आपको ज़रूर ख़रीदारी करनी चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ कि एफल इंडिया में आप ज़रूर ख़रीदारी करें, फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट है और करंट पोजीशन भी बहुत ही अच्छी है। तो आपके हाथ में बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस स्टॉक में लंबे समय में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लंबे समय के लिए भी पैसा लगा के एक बहुत ही अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी रिटर्न की, तो देखिए 5 दिन में लगभग 1% का रिटर्न है, 1 महीने में देखिए ये लगभग 10% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में देखिए 2% तेज है। अगर मैं एयरटेल डेट की बात करूँ तो केवल एयरटेल डेट, मतलब 1 जनवरी से ये लगभग 40% का रिटर्न दिया, आप ध्यान से देखें। और अगर मैं यहीं पर 1 साल की बात करूँ तो लगभग 91% का इतने रिटर्न दिया है। देखिए उतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2021 चल रहा है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखिए कैसी है सिचुएशन, आप देख पा रहे हैं ना कैसी है सिचुएशन। 2020 से
अगर हम लगभग 2020 से ही करीब अगर हम वहाँ से जोड़ें, ठीक है, तो तब भी यहाँ पे देखिए लगभग 544% का रिटर्न है। तो मतलब 1-1.5 साल इसको हुआ है लिस्टिंग हुए हुए, यही ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें आपको यहाँ पे वो 5%, मतलब 5 गुना से भी ज़्यादा पैसा करके दे दिया। तो ऐसी कंपनियों में आप अगर लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलेगी, क्योंकि भाई अगर आप पैसे लगाए रहेंगे तभी आपका पैसा मल्टी गुना होगा ना, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने ना दें, आप खरीदारी करके रखिए लंबे समय के लिए, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।